हेलो क्लास एट, दिस इज योर साइंस सब्जेक्ट एंड चैप्टर फोर। नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन बेटा, दिस इज योर चैप्टर फोर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, नाउ अभी जैसे आपकी स्क्रीन पे इफ द लेड ऑफ द पेंसिल वर मेड ऑफ अ आयरन दैट विल यू विल बी एबल टू सेट यूज इट फॉर राइटिंग के लिए आप यूज करेंगे। अगर नाइफ अगर पेपर पे लिखने के लिए वर मेड बनी होती तो आप उससे लिखने का काम कर रहे होते, कटिंग नहीं होती। तो मतलब हर चीज का हमारे क्या है, मेटल्स का अलग अलग काम है, नॉन मेटल्स का अलग अलग यूज है। तो हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, नाउ द टॉपिक इज ऑकरेंस ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। मोस्ट मेटल ऑकर इन द कंबाइंड स्टेट एज अ मिनरल्स रिएक्टिव मेटल्स। लाइक हमारा सोडियम होता है उसको हम Na, कैल्शियम इज Ca एंड जिंक इज Zn एंड एल्यूमिनियम इज Al। ऑकर इन द कंबाइंड स्टेट एज द कंपाउंड। ओके, लाइक जो हमारे क्रिस्टलाइन है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स के जो चट्टानों के जो टुकड़े टाइप होते हैं, जो दे मेक द हमारे अर्थ की क्रस्ट की जो लेवल होती है तीन, उसको जो बनाते हैं उन्हें बोला जाता है मिनरल्स। ठीक है, एंड द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हमारे कौन से होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स होते हैं, जिन्हें हेमेटाइट बोला जाता है, जिसे हेमेटाइट का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए Fe2O3। एंड सिनेबार का होता है HgS, जो जिनके अंदर क्या होता है, आयरन एंड मर्क्यूरी रिस्पेक्टिवली होते हैं इनके अंदर। ठीक है, और हमारे ओर्स क्या होते हैं बेटा, ओर्स मिनरल्स जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं, इकट्ठे होते हैं, फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन, जिसमें से हम मेटल्स को छाट के निकालते हैं। इकोनॉमिकली थोड़ा सा उसमें पैसा लगता है, बिकॉज आप किसी भी चीज़ को प्योर फॉर्म में लेंगे तो दैट विल बी टेकिंग सम मनी ना, दैट्स वाई। तो और वो सीरीज जो प्रोसेस के यूज में हमारी जो सीरीज लगती है कि पहले हमें ये करना है फिर हमें ये करना है प्योर मेटल को पाने के लिए ओर्स में से, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटलर्जी। ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, मैं अभी आपको रीड करके एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन इज योर फिजिकल स्टेट क्या होती है मेटल की, देन आई विल बी कमिंग आउट ऑन टू नॉन मेटल्स पे। ठीक है, नाउ ऑल मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, आंसर इज गिवन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, और नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड भी और गैसेस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, लाइक हार्डनेस के अंदर, हार्डनेस में दोनों में क्या डिफरेंस होगा, मेटल्स आर जनरली स्ट्रांग होते हैं और हार्ड होते हैं एंड कैन बी कट, उनको काटा जा सकता है नाइफ से भी। ठीक है, एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, बट फॉस्फोरस इज सॉफ्ट, कैन बी कट इजीली, लेकिन हमारा नॉन मेटल में डायमंड आता है जो हमारा सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बोला जाता है, जिसे हम कट नहीं कर सकते। ओके, नाउ लस्टर, व्हाट इज लस्टर, यानी चमक होती है। ठीक है, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट पोजेसेस अ शाइनी सरफेस होती है, जैसे हमारा गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लैटिनम वगैरह जो हमारे ज्वेलरी के काम आते हैं उन्हें बोल वो हैं चमक में। एंड नॉन मेटल्स में थोड़ी चमक एज कंपेयर टू उनमें कम होती है, जब तक कि उसके ऊपर मेटल्स की पॉलिश ना की गई हो। ओके, नाउ व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब फैलाव ज्यादा किसका होता है। ठीक है, मेटल्स का हमारा फैलाव ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, एंड मेटल्स की, नॉन मेटल्स की कम डेंसिटी होती है। ओके, एंड मेलिएबिलिटी क्या होता है, ऑन बीइंग हैमर्ड, हैमर्ड का मतलब क्या होता है, जब उन्हें हथौड़े से ठोका जाता है, मतलब पिटाई की जाती है, पीटा जाता है, लाइक आप किसी चीज को पतला करने के लिए, उसकी उसको थिन करने के लिए, शीट्स में बनाने के लिए, उसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसको थिन कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ठीक है, एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, उनको जैसे हैं दे विल बी वैसे ही रहेंगे। ओके, उनको वायर्स में बनाया जा सकता है। एंड डक्टिलिटी, वॉट इज डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल्स में तो ये प्रॉपर्टी जो इसकी है टू बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स, जिसको बोला जाता है डक्टिलिटी। एंड नॉन मेटल्स में
जो ऐसे ये ब्रिटल होते हैं ये वाले, और उनको वायर्स में चेंज नहीं किया जा सकता है. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज डक्टिविटी. व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी क्या होता है कि मेटल हमारे मालूम है हमें गुड कंडक्टर्स होते हैं, जिसमें से हीट भी पास हो जाती है जल्दी और इलेक्ट्रिसिटी भी, जिसमें से हमारा सिल्वर है बेस्ट कंडक्टर ऑफ बेस्ट कंडक्टर है, फॉलोड बाय द कॉपर वगैरह वगैरह. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है? नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स हमारे नॉन कंडक्टर, जिसमें से हमारी जो क्या है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कांट बी पास्ड. ओके, नाउ सोनोरस. सोनोरस का मतलब होता है साउंड देने वाले. ठीक है, साउंड ने मेटल्स होते हैं आवाज करने वाले. ठीक है, रिंगिंग, जैसे रिंग है हमारी वो साउंड करती है अगर वो गिर जाती है, बट नॉन मेटल्स हमारे सोनोरस नहीं होते. ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, दे कैन बी स्ट्रेच्ड टू अ स्ट्रेस. इसका मतलब उसको हम खींचा जा सकता है उसके ब्रेकिंग होने से पहले कुछ टाइम तक. जैसे हमारे आप दिखाई दे रहा है आपको इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर वो टंगस्टन होता है ना, फिलामेंट होता है जो वो टूट जाता है जिसका स्प्रिंग, तो वो हमारा वो बल्ब जो है हमारा खराब हो जाता है. ठीक है, और नॉन मेटल्स हैव नो फैसिलिटी ऑफ दिस टेंसाइल की. ठीक है, नाउ अभी तो हमने की थी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, दोनों में क्या डिफरेंस थे. नाउ इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या है. फर्स्ट इज रिएक्शन, ये ऑक्सीजन के साथ करते हैं, देन व्हाट हैपेंस. लाइक फर्स्ट आपका मैंने नीचे लिखा है, मेटल का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन हो रहा है इट गिव्स मेटल ऑक्साइड मिलता है हमें. ओके, जैसे मैंने ऊपर दिया है कि अब हमारा सोडियम, सोडियम ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट किया जा रहा है तो हमें सोडियम ऑक्साइड मिलता है. नेक्स्ट में आपका है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अगर मेल हो रहा है देन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, एंड नॉन मेटल्स हमारे जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हो गया, एंड फॉस्फोरस जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, हमेशा ज्यादातर नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें बोला जाता है एसिडिक ऑक्साइड्स. ठीक है, बिकॉज उनके रिएक्शन के बाद नॉन मेटल के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है जब वो डिसॉल्व किया जाता है पानी के अंदर. ओके, नाउ जैसे पहला वाला मैंने यहाँ आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन के साथ वो नॉन मेटल मेटलिक ऑक्साइड बनेगा. लाइक हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ मिला है तो वो सामने क्या बन गया, C+O2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया. सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिला तो SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिला तो वो कार्बोनिक एसिड हो गया. सल्फर डाइऑक्साइड हमारा वाटर के साथ तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया. ये तो ये हमारे रिएक्टेंट है सारे, कि कैसे रिएक्ट करके और क्या फॉर्मेट कर रहे, फॉर्म कर रहे. ओके, नाउ अब देखिए बेटा इनका रिएक्शन अभी तो मैंने किया था ऑक्सीजन के साथ, अब हम देखेंगे वाटर के साथ इनका रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या दे रहे हैं. मेटल प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड हो रहा है, प्लस उसके अंदर हाइड्रोजन क्या हो रही है, हाइड्रोजन की एवोल्यूशन हो रही है, निकल रही है उसमें से. ओके, और नीचे देखिए ऐसे ही सोडियम पोटेशियम के साथ अगर वाटर मिल रहा है तो वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्लस उसमें हाइड्रोजन की भी इवोल्यूशन हो रही है. ठीक है, नाउ नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. यू माइट बी रिमेम्बरिंग कि फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है जो रिएक्ट करता है फास्ट विद वाटर टू गेट इग्निटेड. ठीक है, अंडर द वाटर कंडीशंस. ओके, नेक्स्ट वन इज आपका टॉपिक है कोरोजन. व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल लाइक कोरोजन. एंड द कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन लाइक आपका ये दिखाई दे रहा है आपको राइट साइड में, ये आपका रस्टिंग हो रहा है. व्हाट इज रस्टिंग? आप किसी भी लोहे की, लोहे या ना, हाँ लोहे की किसी भी चीज को आप क्या करेंगे, उसके साथ अगर नीचे पानी अगर लग जाता है तो करोजन होना स्टार्ट हो जाता है. इट मींस आपका फॉर्मेशन वाटर के साथ एटमॉस्फेरिक वाला, एंड धीरे धीरे करके वहां पे जंग लगना शुरू हो जाता है. दैट जंग लगना इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ
आयरन, लाइक मैंने नीचे एग्जांपल में लिखा है आयरन प्लस ओ टू के साथ 2H2 हो गया और सामने हो गया रस्ट बन गया एंड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो गया. ओके, जो पता है ना आपको रेडिश ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे झड़ झड़ के वो गिरने भी लग जाता है जब वो ओवर हो जाता है. ओके, नाउ सम मेटल्स गेट कोरोडेड ओनली ऑन द सर्फेस के ऊपर ही होते हैं, ठीक है, लाइक कॉपर गेट कोटेड विद द कॉपर में ऐसे इस तरीके से हो जाता है ये, ठीक है. नाउ एलोइंग इज एलॉज एंड देयर प्रॉपर्टीज. व्हाट आर एलॉज, क्या होते हैं ये, एंड एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स होते हैं जिसके अंदर. ओके, एंड एलॉयज आर मेड बाय मिक्सिंग द मेटल्स इन अ मोल्टन, यानी पिघली हुई स्टेट में उसको मिक्स किया जाता है मेटल्स के साथ, और जो कभी कभी नॉन मेटल्स के साथ भी होता है, जैसे कार्बन हो गया हमारा, उसके अंदर ऐड किया जाता है. एंड एलॉय इज यूज्ड टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, ठीक है, लाइक एलॉयज क्या होते हैं, जनरली हार्डर होते हैं, टफ होते हैं और रेजिस्टेंस होते हैं कोरोजन से, ठीक है, एंड अटैक बाय द केमिकल्स में, ये हमारे सारी इसकी प्रॉपर्टीज है. ओके, नाउ मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है तो व्हाट हैपेंस, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है, ठीक है, जिंक का दे रखा है इसी तरीके से, मैग्नीशियम का और कॉपर का, और इसी तरीके से नीचे बेसिस के साथ क्या होता है कि कुछ के साथ तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ वो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, द मेटल्स हाइड्रोजन गैस होती है रिएक्शन, ठीक है. नाउ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन से होते हैं बेटा, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव को हटा के, और वहां पर फॉर्म फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको जगह हटा के किसी और को वो प्लेस कर देता है. लाइक यहाँ आपके एग्जाम्पल में देखिए, जिंक प्लस COSO4, अब यहाँ जिंक अलग था और कॉपर के साथ SO4 सल्फेट था, अब नेक्स्ट उसके साथ डिस्प्लेस क्या हो गया, जिंक को उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर की जगह पे, CU की जगह पे, और CU अकेला हो गया, और ZN किसके साथ हो गया, यस SO4 के साथ अटैच हो गया, ठीक है. नाउ इसी तरीके से नीचे भी देखिए, आपका वो कह रहा है अ पीस ऑफ कॉपर हमने प्लेस किया है और उसका जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन हुआ, लेकिन व्हाट हैपेंड, कोई रिएक्शन नहीं हुआ. ओके, बिकॉज रेडिश ब्राउन था वो, और वो अगले नेक्स्ट वाला कौन था, कलरलेस था वो. ओके, नाउ नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस क्या होते हैं, लाइक हमारा आर्टिकल सच एज नेल्स, हमारे बोल्ट हो गए, चेन होती है हमारी, काफी ऐसी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर टूल में यूज की जाती है हैमरिंग करने के बाद, हीटेड भी किया जाता है उनको, और स्टील इज ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में, शिप में, रेलवे लाइन्स में, यूटेंसिल्स में ऑल्सो, नाइफ में ऑल्सो, ठीक है. एल्यूमिनियम हमारे कागतने खाना बनाने के बर्तन वगैरह होते हैं, पैकेजिंग फूड, पेंट के डिब्बे वगैरह, उनमें भी यूज किया जाता है, ठीक है. एंड और कई जगह पे जहाँ हमें लग रहा है कि जंग लग रहा है ज़्यादा हमारे किसी लोहे की चीज़ पे, वहाँ पर भी हम एल्यूमिनियम का यूज़ करने लग जाते हैं जहाँ पर हमारे एल्यूमिनियम जो है रस्टिंग नहीं करता है. ओके, नाउ नॉन मेटल्स हमारे कौन से हैं, हाइड्रोजन इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, कार्बन और नाइट्रोजन आर एक ऐसे पार्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड है जिनमें इंक्लूडिंग फूड्स भी होते हैं, ठीक है. कोल एंड पेट्रोलियम फ्यूल की तरह पे यूज करते हैं जो बेस होते हैं प्लास्टिक्स के, ग्रेफाइट हमारी पेंसिल्स में यूज किया जाता है, एंड इन जिन कार्बन बैटरीज एंड इन ब्रेक लाइनिंग्स में, ठीक है. एंड फॉस्फोरस इज यूज इन द फायरवर्क्स इंडस्ट्री एंड फॉर मेकिंग स्पेशल ग्लासेस, यूज इन किसमें, सोडियम लैंप्स में यूज किया जाता है. नाउ दिस इज योर आंसर की, and your A question answer B, C, D and E is also there, and the question answer are also completing here, and you have given the 8 answers, ठीक है, you have to complete like up to 8 answers.